नाम पर एक मॉडल युवती का अश्लील वीडियो बनाकर एक वेबसाइट पर अपलोड किया गया। अपलोड करने वाले प्लेटफॉर्म सीनियो मूवीज के मालिक अब इंदौर साइबर सेल की गिरफ्त में हैं। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक राजू साइबर सेल इंदौर जितेंद्र सिंह ने बताया कि 25 जुलाई को शिकायतकर्ता रिया ने एक पत्र राजू साइबर सेल इंदौर में दिया, जिसमें युवती ने वेब सीरीज बनाने के नाम पर एक एडल्ट वेब सीरीज बनाकर पॉर्न साइट पर डालने के संबंध में एक शिकायत दर्ज कराई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक पुलिस टीम बनाई गई, जिसके बाद सीनियो मूवीज के मालिक आरोपी दीपक सैनी और केशव सिंह को हिरासत में लिया गया। कड़ी पूछताछ के बाद उन्होंने बताया कि साल 2019 में फ्रीलांसर वेबसाइट के माध्यम से जुड़ा पाकिस्तान के युवक हुसैन अली को 18,000 से 20,000 रुपए दिए थे। फिनियो का मेंटेनेंस हुसैन अली के द्वारा ही देखा जाता है, जिसके एवज में हुसैन अली को 30,000 से 40,000 रुपए महीना, जो पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से 60,000 से 80,000 रुपए महीना दिया जाता है। पूछताछ में आरोपियों द्वारा राजेश बजाड़ उर्फ राज गुर्जर, अशोक सिंह और विजयानंद पांडे के तार OTT प्लेटफॉर्म उल्लू फिल्म्स मूवीज के साथ जुड़े होना बताया, जो एडल्ट मूवीज बनाने का काला काम करते हैं। अन्य आरोपियों की धरपकड़ करने में साइबर सेल इंदौर लगातार प्रयास कर रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मामले के खुलासे में राशिद अहमद, संजय चौधरी, गोपाल अजनार, राजेंद्र जाट, गजेंद्र सिंह राठौर आदि की सराहनीय भूमिका रही। इंदौर से धर्मेंद्र सोनी की रिपोर्ट। सर, कोई आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं? देखिए, 25 जुलाई को मॉडल युवती ने इंदौर साइबर सेल में एक शिकायत दर्ज कराई थी कि एक प्रोमो वीडियो के नाम पर एक अश्लील वीडियो बनाया गया और फिर वो अश्लील वेबसाइट्स पर, एडल्ट वेबसाइट्स पर अपलोड कर दिया गया। उसमें पूर्व में 4 आरोपी अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उसी विवेचना के दौरान जो फिल्म अपलोड हुई थी अश्लील वेबसाइट्स पर, उस पर फेनियो मूवीज का लोगो लगा हुआ था। तो फेनियो मूवीज़ की जब पड़ताल की गई तो ये पाया गया कि ये ग्वालियर से जो है फेनियो मूवीज़ कंपनी जो है वो संचालित हो रही है। उसी कंपनी के कर्ता धर्ता जो है दीपक सैनी और केशव सिंह, इनको कल शाम गिरफ्तार किया गया है। ये वो लोग हैं जो फेनियो नाम से अपनी वेबसाइट चलाते हैं और उस वेबसाइट पर अश्लील फिल्में जो हैं उनको उनका प्रसारण करते हैं, और उसी में जो मॉडल युवती की एक फिल्म बनाई गई थी वो उसी फेनियो मूवीज़ के बैनर तले ही रिलीज़ की गई थी, जो कि लगभग 32 एडल्ट साइट्स पर चल रही है। सर, कब से और कितनी युवती सामने आई है? देखिए, विवेचना लगातार जारी है और जैसे जैसे आगे और तथ्य आएंगे इसमें कार्रवाई की जाएगी। आरोपी सर क्या बैकग्राउंड था इनका? देखिए, आरोपी जो इसमें दीपक सैनी है, इसने वर्ष 2012 में इंदौर में जो राहू में एक LK लॉर्ड कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज है वहां से BE किया था, और उसके बाद ये ग्वालियर में अपना स्टार्टअप चला रहा था। फ्रीलांसर वेबसाइट में जाता था, प्रोजेक्ट्स लेता था। वर्ष 2019 में उसने ये एक OTT प्लेटफॉर्म अपना तैयार किया और इस OTT प्लेटफॉर्म को डेवलप करने के लिए उसने पाकिस्तान के एक डेवलपर से उसका संपर्क हुआ, जिसने उसको ये प्लेटफॉर्म डेवलप करके दिया, जिसपे लगभग अभी तक 80 से ज़्यादा अश्लील फिल्में अपलोड कर चुका है। अभी तक कितने लोगों के नाम और सामने आए हैं और आना बाकी? देखिए, जैसे जैसे विवेचना आगे बढ़ रही है, जो जो तथ्य आ रहे हैं उस हिसाब से कार्रवाई की। सर, जैसा कि आपने बताया कि ये पाकिस्तान के व्यक्तियों से संपर्क में रहा है, तो क्या इसके ऊपर देशद्रोह का भी आरोप होगा? जी देखिए, अभी जो विवेचना में तथ्य आया है, जो इसने पूछताछ में बताया, वो ये बताया है कि फ्रीलांसर एक ऐसी वेबसाइट है जिस पर लोग जाते हैं और अपने प्रोजेक्ट की बिडिंग कराते हैं। तो इसको जब अपना वेबसाइट बनानी थी तो ये उस वेबसाइट पर गया, इसने बिडिंग कराई, तो उसमें एक पाकिस्तानी युवक ने अच्छा कार्य करके इसको दिया और बिडिंग करी थी। उसको इसने अपनी वेबसाइट डेवलपमेंट करने का और इसको मासिक कुछ उसको शुल्क का भी ये भुगतान लगातार कर रहा है। बाकी लोग मास्क लगा लो। अरे तुमको थोड़ी, अरे आप भी लगा लो। ऊपर दे यार, ऊपर अली अब्बास बोले। आवाज रिकॉर्ड हो रही है।